आज हम दिल्ली के चंद्रीला होटल में आए हुए हैं। यहाँ पर एक नारी शक्ति इंटरनेशनल महिलाओं के दुख दर्द के बारे में, समस्याओं के बारे में यहाँ पर सब बातें हुई हैं और अच्छे अच्छे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और इन औरतों के बारे में सारी जो सुख सुविधाएँ प्रदान होती हैं इनके लिए जो इनको नहीं मिलती थी, आज उन ज़रूरतों को उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है। थैंक यू। देखिए हनुमान जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने दिया है कि मैं अपनी आवाज़ को पहचानूं। मैं दरअसल महिलाओं की दिल की तार सदर हूँ, इंडिया महिला आज ये प्रोग्राम अरमा डॉक्टर वगैरह शेख ने जो प्रारंभ किया है कि महिला बिल के जो पार्लियामेंट में पिछले दिनों पास हुआ था उसके सम्मान में किया है। और एक महिला का समझिए कि मार्केट में सियासत दुनिया में आना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और जो महिला बिल पास हुआ है उसके संदर्भ में डॉक्टर नौरा शरीफ जो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने ये अहद किया था कि जिस दिन ये बिल पास हो जाएगी, इस बिल को आप लोगों को बता दूं कि 27 साल तक सिर्फ पेंडिंग की हालत में ये बिल रहा है। जब ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, तमाम लोगों ने इसकी इक्का दुक्का लोगों को छोड़ देकर सब लोगों ने इसकी हिमायत में जो है वोट दिया है, तो उसके सम्मान में डॉक्टर नौरा शेख ने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से तमाम 500 मेम्बराने पार्लियामेंट को मेलबनपुर से नवाजने के लिए आज ये सक्रिय का होटल में प्रोग्राम रखा है। उसी प्रोग्राम में हम लोग हाजिर हुए हैं। जो प्रोग्राम हुआ है कितना टाइम लग गया इसे इसका प्रोग्राम इसके कितना टाइम लगेगा? दरअसल पार्टी की अगर मैं बात बताऊँ तो जब भी आप बड़े मकसद लेने के आप पार्टी में आते हैं या किसी भी, तो आपको सबसे पहले अपने घर से आपकी मुखालफत करनी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे आपके के मुकाबले आपके ऑपोजिशन वाले बढ़ते चले जाते हैं। तो ये पार्टी दरअसल 2017 में नई दिल्ली में लॉन्च हुई थी नेशनल पैमाने पर और उसको अलमा डॉक्टर नौरा शेख ने मतलब लॉन्च करके ये बता दिया था कि अब हम नेशनल पैमाने पर हर एक स्टेट में और हर एक विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में हम कंटेस्ट करने वाले हैं। कर्नाटका में 2 बार के इलेक्शनों में ये पार्टी उतर चुकी है। अभी जो तेलंगाना का इलेक्शन गुजरा है उसमें भी पार्टी अपनी पार्टिसिपेशन दे चुकी है। अब जो सामने 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है इसमें भी पार्टी आ रही है। कुल मिलाकर के आपका सवाल का जवाब ये है कि 2017 से इस पार्टी ने अपने आप को समय को उतारा है। मुख्तलिफ तरह के दिनों के उतार चढ़ाव में हमें कभी आगे कभी पीछे जैसा कि हमें होता है, तो हम अब पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से मुताबिक हैं। अब हम जो है 2024 के 500 मेंबराने पार्लियामेंट की सीटों पर कंटेस्ट करने के लिए देखिए अभी तक जो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही हैं उसमें ये आ रही है कि 30% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। अभी तक मामला ये था कि किसी भी फील्ड में चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो सीटों के बंटवारे के मामले में हो, यानी कि किसी भी तरह का महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं होता, तो ये रिजर्वेशन दिया गया है जिसके जरिए से महिलाओं को आगे बढ़ने में थोड़ी ताकत मिलेगी और उनको सम्मानित महसूस होगा, वो आगे बढ़ करके हर मैदान में कदम बढ़ाएंगी जैसा कि सोचा जाता है। और थैंक यू।